मारुति सुजुकी ब्रेजा सीएनजी के साथ में ऑलरेडी ऑटो एक्सपो के अंदर अनवील हो चुकी है और फाइनली हमें ग्लिम्स भी देखने को मिल रहे थे कि गाड़ी के साथ में कौन सी चीज़ें आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि डिटेल में कौन सी चीज़ें चेंज होने वाली है, इन द सेंस कि जो लॉन्च डेट या फिर प्राइजिंग है वहाँ पर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट एग्जैक्टली हमें जो फिगर्स मिल रहे हैं वो सारे उनके अकॉर्डिंग मतलब कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो लॉन्च डेट और प्राइसिंग के अंदर थोड़े बहुत अपडेट्स आए जो कि आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। और रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरा ज़रूर देखना ताकि आप वो पार्ट मिस ना कर दो जहाँ पे हम आपको लॉन्च डेट और प्राइसिंग बताने वाले। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, लॉन्च डेट और प्राइसिंग हम वीडियो के एंड तक बताने वाले आपको, तो इस वजह से वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना। कि एक और चीज़ कि इस चैनल के ऊपर आपको एवरीडे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे जो कि ऑटोमोटिव कंटेंट से रिलेटेड होंगे, इंटरेस्टिंग ऑटोमोटिव फैक्ट्स होंगे, अपकमिंग कार्स की डिटेल्स में मतलब कि जो क्विक इन्फॉर्मेशन होगी वो भी आपको हम शॉर्ट्स के जरिए बताने वाले हैं या फिर बताते हैं जो कि एवरीडे आपके लिए शॉर्ट्स आते हैं। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और शॉर्ट्स अगर नहीं देखते तो रेगुलर बेसिस के ऊपर देखना स्टार्ट कर लो, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि इंटरेस्टिंग होगी, फैक्ट्स होंगे बहुत सारे और अपकमिंग कार्स की डिटेल्स भी आपको देखने को मिलने वाली है। कंपैरिजंस भी हम वहाँ पे बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं शॉर्ट्स के अंदर। बाकी वापस आते हैं ब्रेजा के ऊपर और बात करते हैं सबसे पहले एक्सटीरियर के बारे में कि ब्रेजा सीएनजी के साथ में एक्सटीरियर में कितनी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फेसलिफ्टेड सीएनजी के साथ में। तो मतलब बेसिकली जो सीएनजी आने वाली है वो आपको बेस्ड ऑन देखने को मिलेगी जो एग्जिस्टिंग फेसलिफ्टेड ब्रेजा है उसी के ऊपर। तो कैसे ऐसे कुछ बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले एक्सटीरियर के अंदर इन टर्म्स ऑफ कॉस्मेटिक चेंजेस, क्योंकि वहाँ पे कोई भी चेंज मारुति सुजुकी नहीं करना चाहेगी। उन लोगों ने ऑलरेडी कुछ ही टाइम पहले ब्रेजा को फुल्ली अपडेट किया है, तो इस वजह से सिर्फ सीएनजी वेरिएंट को इंट्रोड्यूस करने के लिए मारुति सुजुकी अपनी गाड़ी के कॉस्मेटिक चेंजेस या फिर प्लास्टिक क्वालिटी या फिर प्लास्टिक के पार्ट्स या फिर बात कर लो एक्सटीरियर की डिज़ाइन के बारे में तो वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं करना चाहेगी और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपको बता दूँ कि जो कॉस्मेटिक चीज़ें होगी या फिर बम्पर की डिज़ाइन वगैरह हो गया, जो बम्पर के कलर्स वगैरह हो गया, जो अंडरनीथ आपको देखने को मिलता है सिल्वर कलर की ट्रीटमेंट वगैरह, वो सारा कुछ सेम रहने वाला है ब्रेजा सीएनजी के साथ में भी। तो इस वजह से आपको ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको ब्रेजा सीएनजी के साथ में कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो कुल मिला के एक्सटीरियर आपको एसएमएस ब्रेजा एग्जिस्टिंग ब्रेजा जो आपको मिल रही है पेट्रोल वाली उसी के अंदर जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलती है एक्सटीरियर के अंदर वही सेम चीज़ें आपको ब्रेजा सीएनजी के साथ में देखने को मिलने वाली। तो कुल मिला के कोई भी चेंज आपको एक्सटीरियर के अंदर देखने को नहीं मिलने वाला है। बाकी डिटेल में कुछ बात करें तो आपको फ्रंट एंड रियर विंडशील्ड के ऊपर सीएनजी की स्टिकरिंग देखने को मिलेगी, उसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको डिफ्रेंशिएट नहीं करके देगी कि ये ब्रेजा सीएनजी है। अदरवाइज़ आपको सिर्फ ब्रेजा के साथ में मतलब कि फ्रंट एंड रियर विंडशील्ड के ऊपर वो स्टिकर देखने को मिलेगा जहाँ से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये ब्रेजा सीएनजी है। बाकी ये सारी चीज़ें एक्सटीरियर के बारे में थी, इससे ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है। अब इंटीरियर की बात करेंगे कि इंटीरियर के अंदर कितनी चीज़ें आपको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फिज़िकल बटन्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आपको गाड़ी को पेट्रोल से सीएनजी के अंदर स्विच करने के लिए हेल्प करेंगे, मतलब कि उसी से बेसिकली वही काम होगा उन फिज़िकल स्विच का जिससे गाड़ी पेट्रोल से सीएनजी के अंदर स्विच होगी। तो ये भी बेनिफिशियल होने वाला है, मतलब कि ये सारी चीज़ें नॉर्मली आती है सीएनजी वाली गाड़ियों के अंदर और यही होने वाला है ब्रेजा सीएनजी के इंटीरियर के अंदर। इससे ज़्यादा और कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। एचयूडी वगैरह आपको सिर्फ टॉप एंड के अंदर देखने को मिलेगा, उसके अलावा सीएनजी के अंदर जो है कोई भी चेंज आपको इंटीरियर के अंदर देखने को नहीं मिलने वाले। बाकी डिटेल में थोड़ी बहुत बात करेंगे, जैसे जैसे गाड़ी के बारे में न्यूज़ आती जाएगी वैसे वैसे बात होती रहेगी। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वेरिएंट्स की अब बात करेंगे कि गाड़ी कितने वेरिएंट्स के साथ में आपको देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। तो सीएनजी के साथ में जब भी ब्रेजा आएगी तो बेसिकली इंडिया के अंदर सबसे पहले आने वाली है, बाहर सीएनजी के साथ में नहीं जाएगी ये गाड़ी। बात कर लें वेरिएंट्स की तो इस गाड़ी के साथ में आपको वो वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे जो कि होंगे बेसिकली LXi या फिर हो सकता है LXi+ जो कि नया एडिशन हो सकता है।
VXi आपको देखने को मिलेगा, VXi प्लस देखने को मिलेगा और ZXi देखने को मिलेगा। ZXi प्लस आपको CNG के साथ में देखने को नहीं मिलेगा। अभी जैसे हमें न्यूज़ मिल रहे उनके अकॉर्डिंग तो यही चीज़ें अभी बोल रही है कि आपको CNG के साथ में ZXi प्लस और LXi देखने को नहीं मिलने वाले। इन दोनों के बीच में जितने भी वेरियंट्स हैं वो सारे आपको देखने को मिलने वाले। और कुछ लीक्स ऐसे भी सामने आई है कि गाड़ी के साथ में आपको जो है LXi प्लस इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि नया वेरियंट होगा और सिर्फ CNG के साथ में इंट्रोड्यूस होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अभी चल रही है, बाकी जैसे जैसे हमें न्यूज़ मिलेगी वैसे हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे वीडियो के ज़रिए। इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन की अब बात करेंगे कि वहाँ पे कितने ऑप्शन और चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो गाड़ी के साथ में बेसिकली 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो आने वाला है, इकलौता इंजन मारुति सुजुकी का, उसके साथ में आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन तो देखने को मिलेगा, लेकिन उसके साथ में 6 स्पीड का ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर देखने को मिलेगा। तो CNG के साथ में टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करेगा। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें होने वाली है ब्रेजा CNG के इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शंस के बारे में। बाकी डिटेल में यही सारी चीज़ें, आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले, फिर वो फीचर्स के सेंस के अंदर हो या फिर और कोई भी एस्पेक्ट आप पकड़ के चल लो, सारी चीज़ें जो है वो सेम ही रहने वाली है। सिर्फ आपको CNG का सिलेंडर नया देखने को मिलने वाला है गाड़ी की बूट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें होने वाली है। अब प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, और उसके बाद हम आपको लॉन्च डेट के बारे में बताने वाले। तो प्राइसिंग की बात की जाए कि मोटा मोटी तौर पे गाड़ी की प्राइसिंग जो है वो कहाँ तक जा सकती है, या फिर कहाँ से लेके कितनी प्राइसिंग तक ये आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, या फिर कितनी रेंज के अंदर ये जा सकती है, उसकी हम बात करेंगे प्राइसिंग के अंदर। तो फाइनली प्राइस के बारे में बात करें तो इसकी प्राइसिंग जो है वो होने वाली है 7 से लेके 11 लाख तक, मतलब कि एक्स शोरूम 7 to 11 लाख आपको ये गाड़ी CNG के साथ में देखने को मिलेगी। अभी वाले न्यूज़ या फिर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम आपको ये प्राइसिंग बता रहे हैं। बाकी माइलेज जो निकल के आ रहा है, मतलब कि निकल के जो लीक्स निकल के आ रही है उनके अकॉर्डिंग बात करें तो 25 से भी ज़्यादा का माइलेज गाड़ी देने वाली है, जो कि ऑलमोस्ट सही है। मतलब कि ये फिगर जो आपने देखी वो सही होने वाली है। CNG के साथ में आपको गाड़ी 25 से भी ज़्यादा की माइलेज प्रोवाइड करने वाली है। लॉन्च की बात करें तो अप्रैल से मई के बीच में लॉन्च होने वाली है, जो कि अपडेटेड लॉन्च डेट है। बाकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, नए हो तो शॉर्ट्स को देखा करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगली वीडियो तक दोस्तों, ड्राइव सेफ, थैंक यू।